लंबे समय से बीमार चल रहे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, आज उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम धामी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने परिवहन मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चंदन राम दास जी काफी सरल और सौम्य स्वभाव के थे। उनके असामयिक निधन का समाचार काफी दुखद और पीड़ादायक है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने में अब बस कुछ ही घंटे का समय शेष है। कल सुबह 7:10 पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले देव डोलियों का बद्रीनाथ पहुंचने का सिलसिला जारी है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य की गद्दी भक्तों के हुजूम में बद्रीनाथ पहुंची। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से देहरादून के मास्टर प्लान 2041 के संबंध में आम जनता से मांगी गई आपत्तियों और सुझावों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने MDDA की कार्यप्रणाली को लेकर निशाना साधा है। हल्द्वानी से भवाली जा रही एक कार में आम डाली के पास अचानक आग लग गई। कार में आग लगते देख वाहन में सवार चार लोगों ने कूदकर जान बचाई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी डालकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। नैनीताल हाई कोर्ट में आज वन क्षेत्राधिकारी संघ उत्तराखंड की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंगल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेशों का पालन न होने पर PCCF सिंगल को फटकार लगाई, साथ ही जल्दी पूरे मामले को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस ने श्रीनगर में सुपर डॉग पेला की तैनाती की है, जो कि न सिर्फ बस अड्डा होटल और भीड़भाड़ वाले जगहों पर पुलिस को चेकिंग में सहयोग करती है, बल्कि नशे की खेप पकड़ने और बम निरोधक दस्ते में भी मुख्य भूमिका निभाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर में एक बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और अचानक वाहनों पर हमला करने लगा। फिलहाल इस सड़क पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आशा फैसिलिटेटरों ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। देहरादून में विरोध प्रदर्शन करते हुए संगठन ने DM कार्यालय तक रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया। आशा फैसिलिटेटरों ने सरकार से नियत न्यूनतम मानदेय प्रतिमाह दिए जाने और फील्ड में कार्य करने के लिए यात्रा भत्ता दिए जाने की मांग की। रुड़की में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। इस झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। झगड़े के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद किसी तरह से मामले को शांत करवाया गया और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है।